नमस्ते गाइस, तो कैसे आप सभी, स्वागत है आप सभी का हमारे न्यू ब्लॉग में। तो अभी बज रहे हैं 7:30, 6 बजे उठ गया था तो अभी आ चुका हूँ और अभी काफ़ी नींद आ रही है। तो मैं सोच रहा हूँ 9 बजे तो स्कूल जाना, अभी थोड़ा सो लेता हूँ। बट अभी मम्मी कह रही है कि मम्मी ने नीचे पानी भर रखा है तो उठा लाते हैं यार थोड़ा पानी, तो अपने को पिलाई उलाई तो चलते पानी उठाने। और देखो पानी पर पड़े हैं। अभी मम्मी ने कहा कि तू नहा ले, तो अभी नहा लेते हैं यार। नहाने के बाद सो जाएंगे, अपन तो आलसी हैं, जब मर्जी क्या दो आलस करने के लिए। और हाँ, आज ब्रश भी करेंगे क्योंकि ना बहुत दिन हो गए मुझे ब्रश किए हुए, तो आज ब्रश ज़रूर करेंगे क्योंकि ना मुझ तो आज करेंगे ब्रश। और तो अभी मैं नहा चुका हूँ और अभी काफ़ी टाइम रह गया, लगभग 1 घंटा तो नहीं रह गया। 1 घंटे में देखो 8:50 पे तो स्कूल लग जाता है। अरे बाल कैसे हो गए यार, 8:50 पे तो स्कूल लग जाता है। तो अभी 8:05 हो चुके हैं, तो अभी आधे घंटे से तो ज़्यादा ही है, तो तैयार तो हो ही चुका हूँ लगभग। बस तो जूते डालने हैं और ये कंघी करनी है और चले जाना है। बैग भी पैक कर दिया मैंने, ये तो रेसिंग का है मेरा बुरा अलमारी में। तो आज अमन काम कर रहे हैं सुबह सुबह, ऐसा क्यों है? आज इसका टेस्ट है तो ये लर्न कर रहे हैं। भाई तो भाई अभी मैं सो लेता हूँ, तो यार वही स्कूल में आलस मतलब कि नींद आती रह जाएगी तो मैं कुछ कर नहीं पाऊँगा। बिलीव नहीं हो रहा वैसे मुझे, कम होता है ऐसे ना, जो चीज़ें कम देखने को मिलती ना, अरे कम नहीं देखने को ही नहीं मिलती। अमन लर्न करे भाई, तो भाई स्कूल वैसे भी चलते हैं, रोज़ कहता हूँ कि जल्दी जाएंगे बट रोज़ लेट हो जाते हैं। तो आज देखते हैं आज कितना टाइम पड़ा है, 10 मिनट रह रहे, देख कितने बच्चे जाते हैं हमारे घर से स्कूल। 3 ये रे, 2 वहाँ से हैं मतलब कि इस छत से, 1 तेरी, 1 मैं, 1 2 एक और, तो चलते हैं यार काफ़ी लेट हो गए। कैसे भी आ चुका हूँ स्कूल से, स्कूल से नहीं, स्कूल से तो कब का आ चुका हूँ और अभी घर पे आंधी आ चुकी है। घर वाले के इसमें आंधी आ चुकी है तो धूल जाएगी जाएगी और बारिश भी आने वाली है ना। मौसम देखो कितना ख़राब हो चुका है, सभी लगे पड़े हैं, बस मैं नहीं लगा पड़ा। क्या है ऐसे उठा के रख ले तू, तो इन्होंने दिमाग लगाया सारा एक साथ ही डाल दिया। अब ये थोड़ा सा ही बच गया, तो मुझे लगता अगर मैं ना होता तो ये ना हो पाता ना। अगर मैं ना होता तो सच्चे में ना हो पाता ये। देखो मैंने पकड़ दिया, रहने दे रहने दे। भाई देखो काफी हरियाली हो चुकी है इसमें क्योंकि अभी बारिश का मौसम चल रहा है ना, तो बारिश होती रहती है तो ये जाते हैं काफ़ी उसका फिर भी। तो और यहाँ पे ना कुत्ते बिल्ले छोटे बच्चे ना, देखो वो खुला पड़ा है ना तो घुसते रहते हैं ना, तो छोटे प्लांट्स जब वो जमते हैं उगना स्टार्ट होते हैं तो उनके ऊपर चढ़ जाते हैं, तो वो मतलब कि टूट जाते हैं तो ज़्यादा बड़े नहीं हो पाते जो कुछ बच जाते हैं ना। तो ये अगर ये गेट बंद कर दिया जाए ना तो काफ़ी कुछ मतलब कि पूरा दिखना है आपको, ये दिख रहा होगा वो देखो मतलब कि वो तो वहाँ पर तो कुछ ज़्यादा नहीं जमका, अगर यहाँ से वो गेट बंद कर दिया जाए ना तो पूरा ही हरा भरा हो जाएगा ये। तो अब अभी आप हमारे पीछे देख सकते हैं मैंने करवा दिया है, अगर मैं ना होता तो नहीं हो पाता ये सच्ची में। मैं नहीं करवाया, दिखा मैं आपको मेरी मम्मी से कुछ होता हूँ तो मम्मी क्या मैं नहीं होता तो ये ना हो पाता ना मम्मी। आज मम्मी गुस्सा है क्योंकि ना सुबह जब मैं सोया पड़ा था ना, तो क्या हुआ सुबह जब मैं सोया पड़ा था तो मम्मी को क्या लगा इसकी तबीयत ख़राब है। फिर पापा रात को 3 मतलब कि सबके लिए एक बिस्कुट का पैकेट लाए थे, तो मम्मी ने ना अपना भी दे दिया और मैं अपना भी खा गया। और घर पे आने के बाद ना एक एक्स्ट्रा पड़ा था
मतलब कि कई दिनों का मम्मी ने अपने लिए रख रखा था, मैं वो भी खा गया। अभी तक रोटी भी नहीं खाई तो सभी गुस्सा है। देखो अमन भी गुस्सा है मेरे से। अमन चला गया भाई। अमन बोल ही नहीं रहा, इसके साथ तो लड़ाई भी होगी थी। वैसे भी हम सोच रहे हैं क्रिकेट खेलने की, क्योंकि ना आज का मौसम बहुत बढ़िया है। धूप धाप है नहीं। ओए ये क्या हो रहा है, मतलब कि धूप का नाम लिया और धूप आ गई। देखो तो अभी हम सोच रहे हैं क्रिकेट खेलने की, बट यार बॉलिंग कौन करेगा। ये सारे सच्चे में गुस्सा है मेरे से। आजा अमन खेलेंगे। आजा आजा यार आजा। भाई साहब ये नहीं खेलेगा तो कौन खेलेगा। खुशबू तू ये भी नहीं, और एक जने तो टीवी में व्यस्त हैं। तो यार जब से टीवी लगी है ना, ये तो एक जना तो भाई व्यस्त ही रहते हैं उसमें। ओ इतना सारा किंडा हुआ था, इतना ही हुआ। वाह मन लिया यार, बोल लिया आपा भी खेलेंगे। अमन 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 तेरा नाम होएगा भैया, आपको अमन नाम से जाना जाता होगा। अमन लिया अभी मैं गेम खेल रहा था, तो मम्मी ने क्या बोला, तेरे को एक चीज़ दूंगी खाना खा ले। तो मैंने बोला, मैं ना मोबाइल चला रहा था, तो मैंने बोला मेरे को नहीं देखना। नहीं मम्मी ने बोला खाना खा ले तो तेरे को वो चीज़ दिखाऊंगी। तो मैंने बोला मेरे को नहीं देखना, कुछ पापा लाए होंगे खाने को तो वही होएगा। बट मेरे को नहीं पता था, तो वैसे इसकी डिलीवरी ना कल की थी, यानी कि जो आने वाला कल है उसकी, बट उसने आज क्यों दे दिया। उसने 10 तारीख का कह रखा था और आज 9 तारीख है ऐसा। बट यार जो भी है इसके अंदर मैं आपको अभी दिखाता हूँ। अभी मम्मी ने मुझे दे दिया ये रहा, तो आपको भी दिखाऊंगा इसके अंदर क्या है। फाड़ दिया जाएगा सब पर्चा पुर्चा, वो नहीं करता ज़्यादा। अभी से खोलते हैं, अनबॉक्सिंग करें। फट जाएगा। अब मम्मी करेंगे अनबॉक्सिंग। वाह तालियां। फाइनली अपन बताते हैं ये क्या है। तो ये है एक, तो ये है एक, अरे यार निकल जाना। तो ये है एक, कितना देखो इतना बड़ा बॉक्स है, ये सब इतना बड़ा है, बट इसमें सामान इतना सा है और पैसे बहुत लग चुके हैं इसके। तो फाइनली अब दिखाते हैं है ये। वैसे मेरे को भी नहीं पता, तो मैं भी ट्राई करूँगा कैसे क्या है इसका। यार ये ना ये जो है काफी अच्छा। मम्मी काफी गुस्सा है क्योंकि ना इसके पैसे बहुत लग चुके हैं, बट क्या ही करें, चाहिए था मेरे को तो मैंने मंगा लिया। तब देखेंगे हम भी, ट्राई करूंगा। वैसे मेरे को गाइडलाइंस गुडलाइंस पढ़नी तो नहीं आती ना, तो क्या ही कर सकते हैं। तो पहले मैंने मंगाया था ना, आपने देखा होगा, अगर नहीं देखा तो आप देख लेना। पहले मैंने मंगाया था, अब वो बता देता हूँ कितने का रहा, वो था 200 के करीब। तो वो ना टूट गया कुछ ही दिनों में, तो मेरे को काफ़ी दुख हुआ था। तो अब मैंने ये मंगाया ना, ये काफ़ी महंगा है। जब भी मम्मी जी गुस्सा भी हैं, आप देख सकते हो मम्मी जी को। मुझे काफ़ी दिनों से मंगाना था तो मैंने मंगा लिया। तो यार ये ना काफ़ी महंगा है, मतलब कि ये काफ़ी महंगा है ना, तो मेरे को काफ़ी दिनों से इसके लिए पैसे इकट्ठे करने पड़े थे। लगभग मैं आपको बता देता हूँ क्या रेट है इसका। ये है 700 रुपये का। तो इतना महंगा मंगाया ना तो मम्मी काफ़ी गुस्सा है, तो देख सकते हैं आप। क्योंकि ना इस पर अभी मम्मी के पैसे लगे, मैं मम्मी को दे के नहीं गया था, क्योंकि ना डिलीवरी जो थी ना इसकी कल होने वाली थी, तो आज वो भैया दे गए तो मम्मी ने पैसे दिए। तो यार मम्मी को तो दूंगा ही, पर मम्मी को काफ़ी गुस्सा, क्योंकि ना देखो इतना ज़्यादा पैसा मैं कभी खर्च नहीं करता था, बट इस पे लगाया मैंने इतना एक ही बारी में, तो होता है यार ऐसे। इससे मुझे ना काफ़ी बचा के भी रखना पड़ेगा, क्योंकि ना मेरे घर में जितने भी सदस्य हैं, खासकर ये जनाब जो हमारे साइड में बैठे हैं, और ये हैं, और वो जो परसोए पड़े हैं, एंड हमारी मम्मी जी हैं, तो जब भी हमारे घर में लड़ाई होती है या तो उसमें जो भी ना गुस्सा हो जाते हैं, तो पता है क्या करते हैं एक दूसरे के ना, जैसे कि अब इसके बैग सीधे ना इसकी कोई चीज़ होगी ना तो उसके पास जाएंगे, जैसे इसकी पेंसिल है या खेलने का कोई सामान है या गुल्लक है। मैं तो ऐसा नहीं करता, बट ये है ना, ये
ये जो कपड़े पहन रहा है ये ना, मेरे से लड़ाई होने के बाद ना वो जो मेरी गुल्लक नहीं है सीधा उस पे जाएगा, मैं तेरे पैसे निकाल लूँगा, ऐसे कर दूंगा, वैसे कर दूंगा, या जो मेरा जो कोई सामान है ना उसे तोड़ दूंगा। और ये करता भी है, ऐसा नहीं कि ये करता नहीं है, करता ये। और काफ़ी इससे बचा कर रखना पड़ेगा मुझे और मम्मी जी से भी, क्योंकि ना इसमें जो आपको मैंने दिखाई दी ये काफ़ी बड़ा भी हो जाता है और स्टिक की तरह हो जाता है, तो मम्मी जी अब हथियार के रूप में इसका भी प्रयोग कर सकते हैं, तो हमें काफ़ी बचा कर रखना पड़ेगा इसको। और मम्मी जी भी, और मम्मी ओ चुप रहो, और मम्मी भी अभी भी कह रही हैं इसी से ही खींच के मारूंगी। और आप देख सकते हैं मम्मी जी को, मम्मी जी मम्मी जी इसमें से हंस रहे हैं, मेरे को दिख रहा है, देखो आपको भी दिख रहा होगा, आप देखे तो ये रही आँखें ये और ये एंड ये मम्मी जी के हंसने की, ये देखिए ओ हाथ काट लिया भाई साहब। अब देखो यार रेशम गुस्सा हो रही है, क्योंकि ना देखो वो देख रही है टीवी, साइड में टीवी लगा हुआ है ना, तो देखो अब मैं वीडियो बना रहा हूँ तो बेचारी का टीवी बंद हुआ पड़ा है, तो वह मेरे को कह रही है बस कर, अब मेरे को टीवी चलाने दे, तो भाई अब कर देते हैं बस, अभी चलते हैं, अभी इसकी काफ़ी मजे लेंगे। इसमें ना एक एक्स्ट्रा डिवाइस है जो कि ना इसको एडवांस बनाता है, तो मैं आपको वो दिखाता हूँ अभी क्या है इसमें एडवांस। सुबह जब मैं खा रहा हूँ खाना, आज खाने में बनाया है, तो आज खाने में मैगी बनी है, ठीक है, और मैगी है, और अभी बज रहे हैं 10, तो सभी खा के सो चुके हैं, और बस मैं ही खाने में बाकी हूँ खाने में, तो अभी खाते हैं। और देख सकते हैं आप चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा है, तो ज़्यादा पीछे कुछ दिख नहीं रहा होगा आपको, तो अभी खाते खाना। वैसे बयान करते इस व्लॉग को, कैसा लगा आपका आज व्लॉग? मेरे लिए तो काफ़ी इंटरेस्टिंग सा था, बट यार आज पहली बार मैंने किसी प्रोडक्ट पे इतने पैसे खर्च किए जितना कि मैंने अपने मम्मी को कभी, मतलब कि अपनी मम्मी के लिए नहीं दिए, उनके लिए कभी कोई सामान नहीं लाया जितने का मैं ट्राईपॉड लाया हूँ, तो उनको अंदर से थोड़ी बहुत, तो मतलब कि थोड़ा बहुत तो उनको गुस्सा आया होगा, बट यार उन्होंने हमें अभी तक मुझे कुछ नहीं कहा। तो अभी गाइस 12 बज चुके हैं, तो अभी मैं सोने जा रहा हूँ, तो अभी एंड कर दूँगा इस लुक को। आपको कैसा लगा आज का ये लुक? तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, अपने टेक केयर ऑफ योर फैमिली, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।